थे और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान किया। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित चंपारण वो इलाका है जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी। यहां नील की खेती के नाम पर अंग्रेजी शासन द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चला था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी। ये एक विश्व ऐतिहासिक घटना है। वो गांधी का पारस स्पर्श ही था जिसने अहिल्या जैसे पाषाण वत चंपारण को धधकता शोला बना दिया था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। सत्यमेव जयते जयते सत्यमेव जयते। गंग यमुन का उज्ज्वल पानी, आर्य भूमि की कहे कहानी, त्याग तपस्या की सलिला में कर्म पुण्य बहते, सत्यमेव जयते जयते सत्यमेव जयते। ज्ञान से दीप्त जवानी, प्राण शक्ति की अमर निशानी, मानवता की बलिवेदी पर हंस हंस के सब सहते, सत्यमेव जयते जयते सत्यमेव जयते। शाश्वत संस्कृति के अभिमानी, लक्ष्य हेतु जीवन बलिदानी, हिमगिर से ऊंचे विचार हैं, मौन सकल रहते, सत्यमेव जयते जयते सत्यमेव जयते। मर्या
मर्यादित जीवन संग्रामी, सत्य अहिंसा के अनुगामी, राष्ट्र एक हम भाई भाई सब मिलजुल कर रहते, सत्यमेव जयते जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते जयते सत्यमेव जयते। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। ये महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। इस आंदोलन के फलस्वरूप गुजरात के जनजीवन में एक नया तेज और उत्साह उत्पन्न हुआ और आत्मविश्वास जागा। ये सत्याग्रह यद्यपि साधारण सा था, तथापि भारतीय चेतना के इतिहास में इसका महत्व चंपारण से कम नहीं। महात्मा गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, 1929 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया।